जैन से डॉक्टर रुचिका खंडेलवाल आप लोगों के लिए लाई हूँ बजट 2023-24 में महिला वर्ग के लिए की गई घोषणाएं। सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 25,448 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पिछले बजट के मुकाबले यह 267 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 2 साल के लिए 7.5% ब्याज मिलेगा। यह महिला या बच्ची के नाम पर जमा किए जा सकेंगे। इस योजना में अधिकतम 2 लाख रुपए जमा करने की सीमा तय की गई है और साथ ही इसमें थोड़े पैसे निकालने की सुविधा भी मिलेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 81 लाख स्वयंसेवी संगठन तैयार किए गए। इन स्वयंसेवी संगठनों को बढ़ावा देने में सरकार मदद करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए गए, जिनमें से 3 करोड़ महिला किसानों को 54,000 करोड़ रुपए दिए जाए। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं पोषण अभियान के लिए 20,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मिशन वात्सल्य के तहत 1472 करोड़ रुपए और मिशन शक्ति के तहत 3,143 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट 3,184 करोड़ रुपए के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जैसी स्वायत्त निकायों को 168 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस प्रकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बजट 2023 में महिलाओं के लिए एक महिला द्वारा की गई घोषणाएं।